विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एग्जाम्पल के लिए एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड साउंड वेव, तो कौन सी इसमें से पोलराइजेशन ऑफ लाइट का फिनोमेना शो करेगी? एक्सेप्ट साउंड वेव, ऑल वेव, है ना, क्योंकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, एक्सरे ही ट्रांसवर्स, क्योंकि ईएम वेव आपने पढ़ाई, ईएम वेव में ही एक्सरे आता है, रेडियो वेव आता है, माइक्रोवेव आता है, ये तीनों वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स नेचर, दैट कैन बी पोलराइज, जो ट्रांसवर्स वेव होती है दैट कैन बी पोलराइज, बट जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, दैट कैन नॉट बी पोलराइज। तो अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट हुआ करता था वो मैंने आपको एक बता दिया। अब आगे चलते हैं, कंपटीशन के लिए भी है ये, अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें से साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज, बाकी तीनों पोलराइज होता है। अब नेक्स्ट होता क्या पोलराइजेशन, हम कह रहे हैं भाई पोलराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांस वेव को सेपरेट कर देता है, जिसमें इसलिए कह सकते हो कि इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन में पोलराइजेशन कुछ अलग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब होता क्या पोलराइजेशन, राइट, तो देखो जो ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, आपको पता है इसमें आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके कंपोनेंट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट ये थोड़े एंगल से नहीं होंगे, उसके कंपोनेंट ऑल डायरेक्शन में होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन, क्योंकि आपको पता है अगर ये फोर्स कोई वेक्टर क्वांटिटी ये है तो उसका कोई कंपोनेंट इधर तो होगा ना, ये थीटा है और ये वेक्टर है, इधर एफ का कॉस थीटा होगा ही, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब पोलराइजेशन लाइट उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर से रिलेटेड होता है, यानी ध्यान रखना इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है उसके कंपोनेंट ऑल डायरेक्शन में होते हैं। अब जो कंपोनेंट ऑल डायरेक्शन में होते हैं उसी में से हमें क्या करना होता है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट को पास, उस कंपोनेंट को पास करने देना होता है, बाकी कंपोनेंट को रोक देना। जैसे कि इमेजिन करो कि लाइट ट्रेवल कर रही है, अब ये ट्रेवल कर रही है तो यानी मैं मान लो चलो आपकी तरफ लाइट ऐसे आ रही है, दिखा दे रहा हूँ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ कि लाइट आपकी तरफ आ रही है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है उसके कंपोनेंट ऑल डायरेक्शन में माने जाते हैं। जैसे ये मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, लाइट आपकी तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो लेकिन इसके कंपोनेंट ऑल डायरेक्शन में माने जाते हैं और इस तरह कहा जाता है कि ये ordinary light, this is the symbol of ordinary light, the ordinary light इसको कहते unpolarized, अभी इसको polarized नहीं किया, and it is unpolarized light, अगर पूछा जाए कि भाई what is ordinary light, तो आप कहेंगे it is unpolarized light, फिर what is unpolarized light, unpolarized light is a light where electric field vectors, क्योंकि आपको पता है light is electromagnetic wave, and the electric field vectors are in all direction, have the component in all direction, तो इसके component सारे direction में। आप क्या करते हैं, एक particular crystal होता है या ऐसा device होता है जो polaroid कहते हैं, ठीक है, अभी आप समझेंगे कि हम daily use में इसको use करते हैं, तो movies में use करते हैं, कैसे, तो ये जो है इसको हम polarize कर सकते हैं, तो अभी पूरा travel नहीं करने की जरूरत है, अब आपको अगर हम कहें कि ये एक dot है, ठीक है, और ये मैंने ऐसे बना दिया, this is symbol of unpolarized, तो यहाँ पर फिलहाल हमने समझने की बात है कि लाइट आपकी तरफ आ रही है, लेकिन एक्चुअली में डॉट का मतलब होता है लाइट का वाइब्रेशन ऐसे की है और ये एरो बता रहा है ऐसे भी, इतने से समझ आता है कि भाई ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, दिस इज यूज्ड फॉर द अनपोलराइज्ड लाइट, ये सिर्फ ये यूज किया, ये सिर्फ बता सकते बट मेनली ये यूज करेंगे फॉर द अनपोलराइज्ड लाइट, जब लाइट पोलराइज हो जाती है, यानी व्हेन द लाइट इज पोलराइज्ड, तो हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट वो लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, यानी ऐसे ही है बाकी डायरेक्शन में नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि या तो ऐसे है और या तो सिर्फ डॉट बनाते हैं, यानी ऐसे, तो ये मतलब दोनों है, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी है, ये अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड लाइट वो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसका वाइब्रेशन होता है, दिस इज पोलराइज्ड लाइट। अब इससे इस तरह लाइट कैसे बनाई जाती है, तो आपको बताओ एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में थोड़ा सॉलिड वाले जो कैमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, हर एक क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस होती है, उसका ऑप्टिक एक्सिस होता है, तो उस ऑप्टिक एक्सिस के बेसिस पे, उस ऑप्टिक एक्सिस के बेसिस पे ही लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, यानी उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, डॉट मतलब ऐसे भी वाइब्रेशन है और
या डाउन भी है, मतलब कहते हैं ऑल डायरेक्शन ट्रांसमिशन, एंड दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट. दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड एक क्रिस्टल बना देते हैं. दिस इज अ क्रिस्टल, दिस इज अ क्रिस्टल, ठीक है. क्रिस्टल की ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस, एंड दिस क्रिस्टल इज नोन एज टर्मलाइन क्रिस्टल. या यूनाइन हाइड्रोसल्फेट का भी यूज करते हैं. आगे देखना पोलराइड बनाने, पोलराइड वर्ड यूज सुना होगा आपके, जो सन ग्लासेस होती हैं उसमें पोलराइड भी लगा होना चाहिए, ठीक है. वो लाइट को पोलराइज करता है, ठीक है. टर्मलाइन क्रिस्टल ये भी लाइट को पोलराइज कर देता है. ऑप्टिक एक्सिस आप देखें ऐसे, इसका मतलब ये है, ये कहता है जो लाइट इसके पैरेलल को पास हो जाएगी, जैसे मेरे ऊपर ये ऑप्टिक एक्सिस. अब मैं ऐसे तो इसे पास नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये जो मेरा हाथ ऐसे है वो पास हो जाएगा, ये ऐसे है तो पास हो जाएगा, ऐसी वाली पास हो जाएगी, जो एक्सिस के अलावा वाइब्रेशन है वो पास हो जाएगा, जो उसके परपेंडिकुलर वो नहीं पास हो पाएगा. तो यानी कि अब जो यहाँ लाइट मिलेगी वो ये लाइट मिलेगी, और डॉट वाला यानी जो ऐसे था वो रुक गया. तो ये भी आपको मिल जाएगी पोलराइज लाइट, एंड दिस इज पोलराइज लाइट. और इसको घुमा दो, अब ये ऐसे था तो ये वाली लाइट मिलेगी, और ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाली लाइट मिलेगी. इस बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग पोलराइज लाइट मिलती है, यानी उस पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बाकी सब फिल्टर हो जाएंगे यानी रुक जाएंगे बाय दिस टर्मिनल डिस्टेंस. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. समझ आया? अब बोर्ड में पूछा जाए व्हाट इज पोलराइजेशन लाइट, तो इतना कहानी नहीं बतानी, सीधे कह दो डायग्राम ड्रॉ करके व्हाट इज पोलराइजेशन लाइट. इट इज द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. और डायग्राम ड्रॉ करके पूरे वन मास में, तो पोलराइजेशन लाइट में हम लाइट जो है उसके वाइब्रेशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में मेंशन कर सकते, क्योंकि हम मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ही होता है पोलराइजेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसका वाइब्रेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इसी डायरेक्शन में लाइट मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट बाकी डायरेक्शन में नहीं मिलनी चाहिए. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. डायग्राम से भी शो करते हैं, ये तो हो गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है. और ये भी क्लियर हो गया कि लॉन्गिनल वेव क्यों नहीं शो करती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, उसी बेसिस पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही होता है. अब एक और माइनर क्वेश्चन बनता है, ठीक है. जब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि ये ऑर्डिनरी लाइट कैसी है, ये व्हाइट लाइट भी हो सकती है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है. भाई यानी हमको लगता है कि सिंगल वेवलेंथ हुई है तो फिर ये पोलराइज होती है, नहीं. मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की वो भी आपकी अनपोलराइज होती है, उसको भी पोलराइज करना ही पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है. रेपर वाइबन पूछा गया था कि चलो ठीक है व्हाइट लाइट क्या होती है, फिर उसके बाद पूछा कि मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ. पूछा कि जो मोनोक्रोमेटिक होती है क्या वो पोलराइज लाइट होती है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ पोलराइज, नहीं वो भी अनपोलराइज होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑल डायरेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, तो उसको भी पोलराइज करना पड़ता है. क्लियर? अब गुड, अब चलते हैं आगे कुछ फिनोमिनास जो आपको 12th में पढ़ने ही है, और फिर उसके आगे कुछ और फिनोमिनास जो 12th में नहीं है बट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही है फिजिक्स में पोलराइजेशन रिलेटेड, तो फिर वो फिनोमिनास नहीं समझ आएगा. तो हमारे सीबीएसई के कोर्स में जो है, जो वापस साल आ गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू लाइट को पोलराइज करना, और दूसरा बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू, तो रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग के थ्रू हम लाइट को पोलराइज करेंगे, और एक है डबल रिफ्लेक्शन जो कि 12th में नहीं है, वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में. अब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अगर आपको सीधे डबल रिफ्लेक्शन कह दिया तो पोलराइजेशन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तब वो दिक्कत आ जाएगी, आपको दोबारा 12th का पोलराइजेशन पढ़ना पड़ेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि जो 11th 12th की फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं पहले, जो बच्चे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाते हैं उनको बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ बिल्कुल सेम है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का ही. और जो बच्चे लास्ट ईयर 12th का बोर्ड दिए थे, ठीक है, उनको बहुत ईजी हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए ऑनलाइन, बेसिकली 11th 12th की बेसिक चीज होती है फर्स्ट ईयर में, वो पूछा गया था उनके अच्छे स्कोर में. तो वो भी ध्यान रखना कि ये चीजें पूछी जरूर जाएंगी, नेक्स्ट ईयर आपके लिए फायदा है. यानी जो ये पढ़ रहे हो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के, तो पढ़ रहे हो हर, मतलब बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही है, अगर मैं कहूँ बीएससी तो वहाँ पे भी है, और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही है. तो 11th 12th का आप दोबारा रिवाइज करोगे, कॉम्पिटिशन की तो तैयारी होगी ही, ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी रिजल्ट अच्छा बनेगा आपका, ठीक. आगे चलते,
इवन मैथ्स भी आपको बता दो, 11th की मैथ्स, 11th की फिजिक्स, बीटेक वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूज होगा। तो अब आते हैं कि डिफरेंट मेथड फॉर द पोलराइजेशन फाइट। तो मेथड्स में यहां पे सीबीएसई में फर्स्ट है बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और आप सीबीएसई में लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखते दो बार, ठीक है, बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लाइट को पोलराइज करते हैं। तो मेथड में जो फर्स्ट मेथड है बाय स्कैटरिंग, अब कैसे एक्सप्लेन करें, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का, मैक्सिमम 2 मार्क्स का आएगा, तो कैसे एक्सप्लेन करें स्कैटरिंग क्या होती है, पहले ये याद होना चाहिए, है ना, तभी तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो कौन बताएगा आपको, कौन किसको आइडिया, काजल, नहीं, हाँ, रेडिएट, या स्कैटरिंग में होते, तो बच्चे जब स्कैटरिंग बोलते तो डिस्पर्जन भी बताता है मोस्टली, क्योंकि वो कहते हैं लाइट स्प्रेड होती है, लाइट जो होती है वो स्प्रेड नहीं कहेंगे, यहाँ पे व्हाइट लाइट स्प्रेड होती है, दैट इज डिस्पर्जन, वो अलग चीज है। स्कैटरिंग क्या है, जब किसी मीडियम से लाइट पास होती है, मीडियम से जब लाइट पास होती है, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, अभी आपने लेटेस्ट फिनोमिना देखा था, है ना, ब्लड मून, इसमें रेड कलर का सुपर मून आपका देखा होगा आपने 26 को, है ना, न्यूज में देखा है, हाँ, वहां पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कुछ पार्ट था, क्योंकि रेड इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ लाइट जो है वो ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, और जो रेड कॉम्पोनेंट है वो ही मून तक पहुंचता है, जिसके से मून रेड को रिफ्लेक्ट करता है और वो रेड नजर आता है, ठीक है, तो सुपर मून एंड ब्लडी मतलब पूरा रेड नजर आता है पूरा, तो इसी वजह से अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि मीडियम एटमॉस्फेयर में जैसे गैस मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके रिरेडिएट करते हैं और डायरेक्शन सभी को करते हैं, किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती है स्कैटरिंग की, किसी की कम होती है, आपको पता है कि किसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, क्योंकि रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहता है कि लैम्डा की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा जिसका कम होगा, किसकी लैम्डा कम होती है, ब्लू की, तो वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, यानी इंटेंसिटी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, दैट व्हाई जो एटमॉस्फेयर है उसमें ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड अवे हो जाती है, पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती है, और जो रेड लाइट है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, तो दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है बाय द मीडियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वापस उसको रेडिएट करते हैं। अब यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग, तो देखो पहले मीडियम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो लेट ये मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, एंड हमने क्या कहा, जो भी आपको दिख रहा है डॉट डॉट बना दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ दिखाना पड़ेगा कि वही मॉलिक्यूल्स हैं, और अब हमने इंजन कराया यहाँ पर, ये लाइट सन रेस लाइट आ रही है, कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो अलग से प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, एंड इसमें क्या है डॉट प्री, दिस इज सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट, यानी कि अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो सन से भी लाइट आ रही है दैट इज आल्सो अनपोलराइज लाइट, ये इंसिडेंट हो रही है, और जो लाइट यहाँ पे स्कैटर हुई वो स्कैटर क्या हुई, देखो मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब किया इस लाइट को और फिर उसको क्या किया स्कैटर किया, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर ही आपको, परपेंडिकुलर ये है तो आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, इस रे के परपेंडिकुलर, इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, आप ऐसे नहीं देखना, आपको परपेंडिकुलर देखना है, तो आपको जो यहाँ लाइट मिलेगी, यानी जो परपेंडिकुलर लाइट मिलेगी जो आप तक पहुंचेगी, स्कैटर्ड लाइट जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इंसिडेंट होगी वो आपकी पोलराइज होगी, सिर्फ डॉट से दिखा सकते हैं लेकिन दोनों साथ में नहीं यूज करना, डॉट और एरो का मतलब वो अनपोलराइज, तो मैं डॉट्स दिखा दे रहा हूं, दिस इज पोलराइज लाइट एंड दिस इज अनपोलराइज, तो डायग्राम हो गया आधे नंबर का, 1.5 का कोई थ्योरी लिखनी है, क्या लिखनी है, व्हेन अनपोलराइज लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम देन इट विल scattered by the molecules of the medium. When we observe the light
scattered light, which in the direction normal to the direction of incident of unpolarized light, is a normal perpendicular. We get polarized light. तब हमको polarized light मिलता है. We observe polarized light. ये है आपका bi-scattering effect. इतना ही CBSE के answer में भी आता है, इतना ही आपके diagram होता है. ये चीज इतनी होती है. मतलब आपने समझ लिया अपनी language में. इतना clear है? ठीक. तो फिर आगे चलते हैं. थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसपे आपको अलग से भी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं. ये तो थ्योरेटिकल था, लेकिन सीबीएसई में नीट में जी में न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, तो उस टॉपिक पे पहुंच रहे हैं. एंड सेकंड मेथड इज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो दूसरा मेथड है इट्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेकेंड मेथड. इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको यहाँ मिलने वाला है. तो रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्रेक्शन भी शो करेंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो हमें पोलराइज्ड लाइट मिलेगी. दैट वाई हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू पोलराइजेशन करते हैं. तो पहले हम एक इंटरफेस ड्रॉ करते हैं, एंड इट इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. लेट एग्जांपल के सिंपल है कि रेयर यानी एयर मान लेते हैं, और दूसरा डेंसर वाटर मान लेते हैं, ग्लास भी मान लेते हैं. सेकेंड वाटर या ग्लास, ठीक है, या ऑयल, कोई भी दो मीडियम, एक रेयर एक डेंसर. अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, एंड दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं. इसको हमें पोलराइज करना है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 20 डिग्री. वो आगे जाकर के हमें उसको एंगल को चेंज भी करना है. तो हमने फिलहाल जनरली लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट. एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज नॉर्मल लाइन, एंड ये जो एंगल है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट आई. अब यहीं पे मेन है, हमें ये जो आई है वो चेंज करते रहना है. स्टार्ट मिनिमम से करना है, 0, 5, 10 ऐसे करके स्टार्ट करना है. तो जैसे मानो 30 डिग्री है, तो उस समय हमें यहाँ पे कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड भी मिलेगी. अगर ये 30 तो रिफ्लेक्टिव लाइट में 30 डिग्री भी मिलेगी. आई इज इक्वल टू आर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू स्मॉल आर. और लाइट बेंड भी होगी, क्योंकि वाटर है तो रिफ्लेक्शन भी दिखेगा आपको. चलो बेंड भी हो गए, ये बेंड भी हो गए, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था. अब हुआ क्या, यहाँ जो लाइट ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी है कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी है. ये अनपोलराइज्ड लाइट, और यहाँ पे जो आई वो 30 डिग्री है, और उसको चेंज करते जा रहे हैं 30 से 35 ऐसे करके. तो यहाँ जो लाइट मिल रही है वो धीरे धीरे पोलराइज हो रही है. ठीक है, आपको धीरे धीरे पोलराइज हो रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब हमें क्या करना है, उसको चेक करते रहना है कि पोलराइज है. तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसमें हम चेक कर सकते हैं, उसको कहते हैं पोलराइड. ठीक है, एनालाइजर पोलराइजर भी टॉपिक अभी बताऊंगा. तो उस डिवाइस से चेक कर सकते हैं लाइट पोलराइज है. यहाँ पर लिखा गया कि लाइट फास्टली पोलराइज थी 30 डिग्री को, पूरी तरह नहीं. 30 से 45 पे ले गए तो ये धीरे पोलराइज होकर 45 पूरी तरह पोलराइज. पूरी तरह पोलराइज का मतलब ये है कि ऐसा डिवाइस होता है उसको घुमाते हैं, यहाँ पर लिखा रोटेट करते, रोटेट करते तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा होने मतलब उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मेन कॉम्पोनेंट, बाकी डायरेक्शन में उसके पार्ट है. तो थीटा वाइज वो चेंज होगा, और थीटा 90 पे यानी जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो उसका जीरो हो जाएगा. उस कंपोनेंट से अगर एफ फोर्स ऐसे लग रहा है तो 90 पे उसका जीरो हो जाएगा कंपोनेंट, बाकी जो कुछ मिलेगा. यही चीज हुआ कि यहां रोटेट करके देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्ट्रेंथ ज्यादा है. अब रोटेट कर रहे हैं तो फिर वो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री रोटेट करने पे वो पूरी तरह जीरो नहीं हुआ, पूरी तरह जीरो नहीं हुआ स्टिल, बट डिक्रीज हुआ. इसका मतलब है वो डिक्रीज हो रहा है वहां पर, और एक 90 डिग्री पे जीरो नहीं है बट स्टिल है, इसमें तो पार्शली पोलराइज है. ठीक है, बट उस चीज को जीरो कर देंगे धीरे धीरे आई को इंक्रीज करो, और इस आई को इंक्रीज करो तो इलेक्ट्रिकल वेक्टर का जो है कॉम्पोनेंट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो जब इंटेंसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने की यहाँ पर जीरो होगी उस पोलराइड की हेल्प से, यानी वो डिवाइस की हेल्प से लाइट को चेक करता है कि वो पोलराइज है या नहीं. तो
एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे यानी उसको आई पी कह देते हैं कि जैसे आई इंक्रीज किया और आई 45 डिग्री कह दिया कि भाई 45 डिग्री पे आपको जो ये लाइट मिली वो पूरी तरह पोलराइज होगी। तो जैसे से इंक्रीज कर रहे हैं आप क्योंकि ये एंगल भी तो इसके इक्वल होना चाहिए ना, तो मैं इसको साइज बना देता हूं, ये एंगल जितना है उतना एंगल ही होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। और ये और इंक्रीज कर दे तो देख आगे जाकर क्या क्या लिखा गया कि यहां पर जो लाइट मिल रही है वो पूरी तरह पोलराइज हो गई एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इट इज द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच वी गेट द रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। पूरी लाइट एक प्लेन में पोलराइज लाइट मिलेगी, उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, पूरी तरह पोलराइज लाइट हो चुकी। लेकिन एक और चीज देखी गई, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट ऐसा करने पे जो आर है भाई ये आई चेंज होगा, स्मॉल आर भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, है ना। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनकी बीच में रिलेशन ये दिखा गया, ये तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गई त्रुटि करने वाला है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। एंड ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग की है कि पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, वी गेट द रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज एंड the reflected ray and the refracted ray, this is this one is refracted which is polarized and this is refracted yani refraction and they are perpendicular, the they puri tarah polarized thi, ye dono ray ek dusre ke perpendicular hai, this is this statement is Brewster law yani hum yahan jo formula mil raha hai unhone kaha Brewster law ne ki jo angle of polarization hai and this is related to the absolute refractive index of the medium to pair of the medium water or air they have 10 the area is mein ka absolute kya hai I equal to 10 inverse mu, this is the formula of angle of polarization and ye dono yani hum kahe reflected ray perpendicular to refracted, इसका मतलब मैं इसको ए कह दूं, उसको ओ कह दूं, उसको बी कह दूं, उसको सी कह दूं, तो बी ओ सी यानी एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री एंड दिस इज ब्रूस्टर लॉ यानी जिससे एंगल ऑफ पोलराइजेशन टू बी 10 इनवर्स मीन है और ये चीज आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये गिवन मान लेते हैं इसको प्रूव कर देते हैं या इसको गिवन मान लेते हैं इसको प्रूव कर देते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ और डिफरेंट कांसेप्ट ऑफ द मैथ्स क्लास 9 10 की जो मैथ्स होगी उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये है तो ये ये है तो ये है एंड दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ, क्लियर। अब इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं मैं, आप कोई भी प्रूफ चाहे इससे इसको प्रूफ कर सकते हैं कि भाई आई पी स्कूल 10 इनवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट वन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, यानी आपको म्यू पता है तो आप आई पी फाइंड कर सकते हैं यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जैसे हमने कहा कि म्यू रूट 3 है यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 दी है तो ये है ना एएक्स ए का वन मानते हैं इसका 1.7 दी, तो म्यू आपका अगर 1.73 है तो आईपी क्या होगा 6 डिग्री, यस क्लियर है। और म्यू इक्वल टू रूट 3 बोर्ड का ऑप्शन है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 है तो उसके लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा इन द एयर, भाई एयर से वाटर में जा रही है तो आपका जो आई पी होगा वो आपका 6 डिग्री होगा क्योंकि टेन इनवर्स रूट 3 क्या होता है 6 डिग्री होता है, ये आपका वन मार्क सॉल्यूशन। अब इसको प्रूव करते हैं कि भाई ऐसा है कि ये 90 डिग्री या 90 डिग्री है ये चीज, तो प्रूव करते हैं यानी ब्रूस्टर्स लॉ प्रूव करते हैं। तो देखो इसको कंसिडर करते हैं कि ये गिवन है, अब आपको ये स्टेटलाइन नजर आ रही है इसको एम ओ एन कह देते हैं, तो ये गिवन मान के ये प्रूव कर देते हैं एम ओ एन स्टेटलाइन है, स्टेटलाइन है तो आर दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ आर ये एंगल बी ओ सी प्लस ये रिफ्रैक्शन वाला आर इसको 180 डिग्री बिकॉज एम ओ एन है स्टेटलाइन, ठीक है तो स्टेटलाइन है तो 180 डिग्री। अब आपने कहा कि ये गिवन है इसको देखो 90 मान आर प्लस 90 प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ आर 180 एंड वी गेट देयर जो स्मॉल आर और ये वाला दोनों आर यानी रिफ्लेक्शन वाला एंगल आर रिफ्रैक्शन वाला ये आर इट इज 90 डिग्री और वी कैन से
जो आपका ये आर आया, इट इज 90 माइनस स्मॉल आर आया, इतना आ गया। ये क्या है, रिफ्रेक्शन वाला है आर, और ये रिफ्लेक्शन वाला। आपको पता है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज दिस आर इज टू 90 माइनस आई, क्योंकि आई इज टू आर होता है। अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लाना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू sin i की जगह i की जगह i अपॉन sin r, एंड व्हाट इज दिस आर 90 माइनस i, म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin 90 माइनस i, इनवर्ट sin 90 माइनस i cos i, एंड वी गेट 10 i। ठीक हो गया, क्लियर। ये है अभी एक प्री टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जा रहे हैं नेक्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसमें हम लॉग मॉडल स्टडी करेंगे। वहां पर ही जो इंटेंसिटी क्या होगी, मैंने कहा ना कि उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा है, इसमें कम, इसमें कम, यहाँ जीरो जा रही है, एक फॉर्मूला है लॉग मॉडल, उसको समझना जरूरी है। और वही क्वेश्चन आप देखेंगे तो जी मेन में 2015 से 2019 के बीच में 2 से 3 बार आ चुका है, और सीबीएसई में 3 बार आ चुका है, नीट में भी 2 बार आ चुका है। वही टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, इससे तो इसमें बेस आ सकता है। तो आगे चलते हैं, लेकिन पहले हम एक छोटा सा क्रिटिकल टॉपिक समझ लेते हैं कि पोलराइड क्या होता है। ठीक है, सीबीएसई में 2 नंबर का आता था, कॉम्पिटिशन में तो बस आपको नॉलेज के लिए, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिशन में। पहले तो हमें पोलराइड समझना पड़ेगा उस लॉ ऑफ मालिस के लिए। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड वो डिवाइस है जो कि लाइट को पोलराइज करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करता है, दैट डिवाइस कॉल्ड पोलराइड। अब ये बनता कैसे, ये बनता है कैसे, टू ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास शीट ले लो और प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, आजकल फाइबर भी यूज हो रहा है ना, तो उन टू ग्लास शीट के बीच में एक लेयर प्लेस की जाती है, जो लेयर होती है क्रिस्टल्स की लेयर होती है, होता है क्यूनाइन आयोडो सल्फेट, क्यूनाइन आयोडो आयोडो सल्फेट का एक जो क्रिस्टल होता है, जो कि निडल से क्रिस्टल होता है, छोटा क्रिस्टल होता है, उसकी पूरी लेयर एक ग्लास शीट पे, उसके ऊपर एक और ग्लास शीट, और एक पूरा एक ग्लास बन गया जिसके बीच में आपका क्यूनाइन आयोडो सल्फेट जो है वो प्लेस। अब इस ग्लास को यूज करते हैं आपकी जो कार है उसके जो फ्रंट ग्लास है ना, फ्रंट है ग्लास, वहां यूज करते हैं, एंड ये पोलराइज आपको क्लियर होगा कि वहां यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आपको ये पता है, क्योंकि रात के समय जब गाड़ी चला रहे हो या सन की ग्लेयर है, या रात के समय किसी गाड़ी की जो लाइट है बहुत हाई बीम पे चला रहा बंदा, तो उसके से हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, हमको अचानक अंधेरा दिखता है, गायब हो जाता है, हमको समझ नहीं आता, रास्ता नहीं दिखता। उस ग्लेयरनेस को कम करने के लिए, उस ग्लेयरनेस को कम करने के लिए ही वो टू ग्लास के बीच में वो पोलराइड लगाया जाता है, यानी ग्लेयरनेस इंटेंसिटी, ये जो लाइट है सीधा सीधा उस इंटेंसिटी को हाफ कर देता है, ऐसा माना गया। यानी कि मैं कहूँ, मैं कहूँ कि ये एक पोलराइड ड्रॉ करना, दिस इज एक लाइन से ड्रॉ कर देता, दिस इज द पोलराइड, ये देखते हैं कि इट इज अ पोलराइड, ठीक है, और ये पोलराइड है और ये अनपोलराइज लाइट। जब ये अनपोलराइज लाइट से पास होती है, ये जो पोलराइड रहता है टू ग्लास शीट के बीच में या फाइबर के बीच में जो क्रिस्टल प्लेस किया गया क्यों नहीं है, उसके बाद यहाँ जो लाइट मिलेगी, ठीक है, डिपेंडिंग की एक्सिस क्या है, यहाँ जो लाइट मिलेगी वो पोलराइज लाइट होगी, ये तो ये सर्कल भी और ऐसे भी कि पोलराइज ये बना सकते हैं या सिर्फ ये डॉट बना सकते, दोनों साथ में, दोनों साथ में होगा अनपोलराइज, ये पोलराइज लाइट। अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, देन इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 है, तो ये याद रखो क्योंकि ये लॉ ऑफ मॉलिस में यूज होगा, यानी कि पोलराइज सीधे सीधे इंटेंसिटी को हाफ कर देता है, इंटेंसिटी हाफ हो, ठीक है। और कम करना चाहते आजकल आप स्पेशल गॉगल्स आते हैं उसके लिए, रात में ड्राइव के लिए, वो और कम कर देगा। तो इस तरीके से पहली चीज पोलराइड क्या होता है, कहाँ का यूज होता है, आपके सनग्लासेस में भी यूज होता है, आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, यूवी रे से प्रोटेक्ट तो करते हैं, यूवी रे के साथ साथ अच्छे सनग्लासेस में पोलराइड होना चाहिए। यानी कि एक बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते थे, पहले आपको बता दूं सीबीएसई में अगर आप पुराने पेपर देखो तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता था वो आपका, जैसे आप केस स्टडी वाला चला रहा था उससे पहले चलता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अभी आजकल केस स्टडी चल गया है सीबीएसई में, पहले चलता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 2-3 साल वैल्यू बेस्ड में ये करते थे, स्टोरी बना देते थे कि 12th साइंस का बच्चा है, अपने फ्रेंड जो उसका 12th कॉमर्स में, दोनों साथ में मार्केट में गए और 12th कॉमर्स के बच्चे को, मतलब जो उसके फ्रेंड है उसको गॉगल्स दे गए,
कि गॉगल्स लेना वहां पर, तो साइंस वाले ने बच्चे ने उसको चीज समझाया कि गॉगल्स लेते समय ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन पूछे गए क्या होनी चाहिए गॉगल्स में, भाई देखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, बात वो है कि सिर्फ देखने में अच्छा हो, उसके अंदर अगर आपका यूवी रिप्रोडक्शन नहीं है और आपका खासकर पोलराइड नहीं है तो बेकार है, किस बात का पैसा, फिर तो ग्लास का तो कोई पैसा ही नहीं, 30 रुपए की चीज है, जो कि जैसे अगर आप मीना बात में चले जाओ तो आपको पता है 100-200-300 में गूगल बोलते हैं, उसमें नकली भी लिख देते हैं कि ये ब्रांडेड कंपनी का, एक्चुअली वो ग्लास होता है, ठीक है। अगर आप वहां पे गोलमोल करो तो 30 रुपए में आ जाते हैं, 200 रुपए की 300 में आ जाते हैं, पहले बताते हैं कि 2000 रुपए का आपको 200 में दे रहा हूँ ले लो, लेकिन समझदार लोग इंसान जानता है कि 30 रुपए क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपको बिल्कुल बनाया गया डुप्लीकेट, जैसे अभी आपका रेमडेसिविर पकड़ा गया डुप्लीकेट बनाया गया था अमीनाबाद, तो डुप्लीकेट बहुत होता है, असलियत को हम खुद चेक कर सकते हैं बिजनेस नॉलेज के, लाइट को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूवी प्रोटेक्शन है या नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़कर भी बदलते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। तो मेन जो गॉगल्स होते हैं उसमें आपको यूवी प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रोवाइड होता है, तो ये आपकी आईज को बचाने के लिए होता है गॉगल्स, फैशन के लिए नहीं, वो तो अच्छी बात है कि अच्छी लुक आता है, लेकिन मेन चीज है हमारी आंखों को बचाना, क्योंकि आजकल जो सन की रेडिएशन है बहुत हार्मफुल हो चुकी है, बहुत हाई इंटेंसिटी की, आप देख नहीं सकते, खासकर इसमें आप बाहर चले जाओ तो आपको आईज में प्रॉब्लम होने लगती है, क्यों, बहुत हाई इंटेंसिटी, उतनी इंटेंसिटी हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं करती है, डेट पर हमको गॉगल्स मेंटेन करना चाहिए बाहर, बिकॉज दिस पोलराइड क्या करता है हाफ द इंटेंसिटी, तो क्लियर। तो इस तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में आया करते थे, अब केस स्टडी बेस आएंगे आपके, आगे चलते हैं लॉक मालस समझते हैं, ये पोलराइड भी यूज होता है अकॉर्डिंग 3D पिक्चर्स में, 3D पिक्चर्स में जो आपके आपको स्पेशल 3D गॉगल्स दिए जाते हैं उसमें यही होता है, वहां से जो लाइट आ रही होती है उसके डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, एक की वाइब्रेशन ऐसे होती है एक की ऐसे होती है, तो अलग करके दिखाते हैं, वो हमें 3D विजुअल शो होता है, बहुत अच्छी लगती है मूवी, उसमें पोलराइड लगा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉक मालस, तो इन्हें टाइम हो जाने तो हम पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही खत्म कर लेते हैं, लॉक मालस इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे नीट और जीमेन के क्वेश्चन, ठीक। This is very important, important to competition point of view also. ठीक है, last 5 years के में अगर आप पेपर देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना important है। लॉक मालस ये कहता है कि जो polarized light है, यानी हम unpolarized की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना polarized light की बात है, कि हमारे पास एक polarized light है, यानी ये polarized light है ना कि unpolarized light, यानी इसको पहले तो polarized किया होगा किसी polarized की हद से, उसके बाद क्या किया, यानी मान लेते इससे पहले क्या था, इससे पहले एक पोलराइड लगा हुआ था, एक पोलराइड लगा था और उससे पहले ये लाइट अनपोलराइज थी, ये लाइट अनपोलराइज थी, अनपोलराइज से पोलराइज भी, ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस पोलराइड P1 कह देता हूं, फिर ये जो पोलराइड इसके बाद लॉक मालस लगता है, यहां नहीं है इसके बाद लगता है लॉक मालस, ये चीज जानना, उसके बाद क्या करते हैं एक और पोलराइड लगा देते, उसका इसके साथ ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं, रैंडम है जनरल है कि हमें थीटा चेंज करना है, ये दूसरा पोलराइड है जो कि इसके ऑप्टिक एक्सिस से कुछ क्या थीटा एंगल बना रहा है, इस ऑप्टिक एक्सिस के अकॉर्डिंग ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फैक्टर मिला है जो पोलराइज लाइट में लिए, यानी इस एक्सिस और इसके एक्सिस के बीच में जो थीटा एंगल है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो लाइट मिलेगी वो अब इसके एक्सिस के अलावा कैसे मिलेगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी में फर्क होगा, अगर मैं कहूँ कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो लॉक मालस ने कहा कि जो पोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसको एक पोलराइड से पास कराया जा रहा है, ये गौर है, लेकिन ये पोलराइजर पोलराइड नहीं कहूंगा, इसको एनालाइजर कहूंगा, क्योंकि लाइट तो पहले से पोलराइज है, ये समझ लो कि एनालाइज नहीं करने का काम करेगा, क्योंकि ये लाइट पहले से पोलराइज है तो पोलराइज नहीं करेगा, इसको एनालाइज करेगा कि लाइट पोलराइज है नहीं, तो ये जो पोलराइड है यहाँ पे इसको एनालाइजर कहेंगे, और ये जो पोलराइड है इसको पोलराइजर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसने लाइट को पोलराइज किया है, ये ऑलरेडी पोलराइज है तो इसे ही एनालाइज करेगा कि है कैसे करेगा, इसके बीच में इसके बीच में थीटा एंगल, तो यहां जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आई मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉक मालस, और उस पर डिपेंड करेगी, यानी वो होगी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी लॉक मालस ने कहा कि जो इंटेंसिटी आई यहां मिलेगी वो प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और देन वी गेट प्रोपोर्शनल टू कॉस आई नॉट, ये फार्मूला आता है, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा पर डिपेंड करेगा, यानी थीटा देखो 90 डिग्री होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये पोलराइज्ड लाइट है, तो आपको यहां 90 डिग्री पे एंड थीटा 90 डिग्री इसको ऐसे कर दें थीटा 90 cos 90 जीरो हो गया, तो स्क्वायर करने पे तो जीरो रहेगा, तो वो इंटेंसिटी जीरो होगी, ये फार्मूला है जो लॉक मालस है, लेकिन ध्यान रखना यहां लॉक मालस अप्लाई हो रहा है,
अगर ये आई नॉट है तो जो ये आई होगा, याद रखना ये आई नॉट है तो ये जो आई होगा वो आई नॉट कॉस पर थीटा होगा। और अब आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये आई नॉट एक्स वाला इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बताओ ये इसका आधा होता है, यानी ये जो आई नॉट है ये होगा टू आई नॉट। अब ये न्यूमेरिकल आपको बहुत मिलिंग नहीं होती जहां पर ये थीटा वेरी करते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, आज मैंने सिर्फ कांसेप्ट बताया सो दैट कि आप कॉपी ट्राई करो पहले आई जो भी इंटरेस्टिंग। लेकिन लॉग ऑफ मॉड्यूलस यहां ही लगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस में ये फार्मूला है, इसमें ये जो आई नॉट है वो पोलराइज लाइट है यहां पर, और ये हमें पता है कि इससे पहले इंटेंसिटी डबल हुई हो तो ये टू आई नॉट है, तो ये शो करना पड़ेगा कि अगर ये आई नॉट है तो इस टू आई नॉट है, इससे आई नॉट है। अगर ये अगर क्वेश्चन में ये आई नॉट दिया होता मैं ऑडिबल हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं मेरी? अच्छा मुझे लगा कि अचानक से कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि ऐसा में 1 आवर के बाद थोड़ा सा चेंज होता है सिस्टम, 1 आवर हो गया ना, बाकी आज के लिए इतना ही है। हाँ 90 डिग्री पर रखा जाए तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, देखो cos 90 इंटेंसिटी जीरो। हाँ तो फिर इतनी नो इंटेंसिटी, अगर बेटा 90 मतलब ऐसा हो जाए तो दिस इज P2, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे नो इंटेंसिटी, क्यों ये फॉर्मूला तो थीटा वेरी करके ही हमें न्यूमेरिकल दिए। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल बताऊंगा तब और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे हमने लॉग ऑफ मॉड्यूलस समझा है कि लॉग ऑफ मॉड्यूलस है क्या, आई नॉट इंटेंसिटी है तो ये आई नॉट है, ठीक है तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड्यूलस आई नॉट इंटेंसिटी लाइट किसी पोलराइज केसर होती, ठीक है जिसको मैं एनालाइजर कहेंगे तो ऑलरेडी ये पोलराइज है, इसके बाद तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मेरे को थीटा पे डिपेंड करेगा, अगर थीटा 90 तो नो इंटेंसिटी और थीटा आपका 45 है तो हाफ हो जाएगा क्योंकि cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और खुद ट्राई करना, देखते अगर हो गया तो अच्छी बात है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नीट और जीमेन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और CBSE के इससे ज्यादा क्वेश्चन जो लास्ट 5 में है, ठीक है आज की क्लास कॉल करें, ठीक है, थैंक यू।